कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। और आज आप सोच रहे होंगे दीदी को क्या हो गया है या पूजा को क्या हो गया है, अपना फोटोज क्यों दिखा रही है। तो वैसे तो आप थंबनेल मेरा और मेरा टाइटल देख के समझ जाओगे कि आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। तो ये बहुत ही मेरा रिक्वेस्टेड वीडियो था, जो मेरे पुराने वीडियोज़ में मुझे कॉमेंट आते हैं और साथ में अभी रिसेंटली मेरे पास बहुत से कॉमेंट्स आए कि दीदी आप अपना पहाड़ी ज्वेलरी का कलेक्शन दिखाओ। तो बस मैं उन लोगों को यही बोलूँगी कि देखो बहुत से ब्लॉगर दिखा रहे हैं, उन्होंने मुझे बोला कि दीदी बहुत से ब्लॉगर दिखा रहे हैं, अच्छा लगता है। तो अच्छी बात है, सब दिखा रहे हैं और जिसका मन है दिखाना भी चाहिए, है ना, शेयर करना चाहिए जो कुछ कोई शेयर करना चाहता है। तो बस मैं ये करना कहना चाहूँगी कि मतलब मैं पर्सनली भी और ऊपर से मेरे फैमिली में से भी ऐसे मुझे परमिशन नहीं है कि मैं अपना गोल्ड ज्वेलरी ऐसे दिखाऊँ। तो बस मैं आपको फोटोज अपने दिखा रहे थे जिसमें मैंने अपना पूरा गोल्ड ज्वेलरी पहना हुआ है और इसमें आपको एक एक चीज़ दिख जाएगी। और साथ में मैं आपके साथ कुछ फोटोज भी शेयर करूंगी, 4-5 ज्वेलरी मैं ऐसे शेयर करूंगी आपके साथ जो कि हमारे पहाड़ की, हमारे गढ़वाल कुमाऊँ की बहुत ही फेमस ज्वेलरी है और इनको देखकर ही सब समझ जाते हैं कि हाँ ये जरूर पहाड़ी हैं। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उससे पहले मैंने कुछ फोटोज ली हैं जिसमें मैंने और मेरे साथ में जितने भी लोग हैं उन्होंने पहाड़ी ज्वेलरी पहनी है और ये पहाड़ की ही फोटोज है मेरी। तो आई होप आपको पसंद आएगी और आप लोग अगर मुझे सजेशन देना चाहो या आपको अगर गलत लगे कि दीदी ने अपना ज्वेलरी कलेक्शन नहीं दिखाया, पहना हुआ दिखाया है, तो वो भी आप मेरे साथ मुझे ज़रूर बताना, मुझे बुरा नहीं लगेगा लेकिन बताना। बस यही बात है कि बहुत से ब्लॉगर दिखा रहे हैं, अच्छी बात है, मैं नहीं दिखा सकती हूँ इसलिए मैं जो पहनी हुई है उसी से मैं आपको बता दूंगी कि ये पहाड़ी ज्वेलरीज है और आपको देख के लग भी रहा होगा पहाड़ी ज्वेलरीज है। तो आज कुछ फोटोज शेयर करी आपके साथ और बाकी मैं आपके साथ शेयर करूंगी ज्वेलरी। तो सबसे पहले मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो कर रही हूँ नथ, जो कि पहाड़ की बहुत ही बोलेंगे मेन होती है ज्वेलरी और ये सबके पास होती है, 99% मुझे लगता है हर पहाड़ी लेडी के पास नथ होती है। और इसकी पहचान अलग से इसलिए होती है ना क्योंकि ये साइज़ में होती है बड़ी, वैसे तो हर जो कोई भी हो सबके पास नथ होती है लेकिन साइज़ का फ़र्क होता है। तो हमारे जो पहाड़ में तो उसमें नथ जो होती है बड़े साइज़ की होती है तो इसलिए अलग ही पहचान में आती है कि पहाड़ की नथ है। तो एक टीरी की नथ होती है और एक कुमाऊँ की नथ होती है। तो जो मेरे पास है वो टीरी की नथ है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो टीरी की नथ होती है ना उसमें बीड्स होते हैं और उसमें मोती वगैरह का काम होता है। तो वाइट कलर के बीड्स होते हैं, मरजेंटा होते हैं, रेड होते हैं और उसमें वाइट कलर के मोतीज़ होते हैं जो कि बहुत ही अच्छा लुक देते हैं और साइज़ में बहुत बड़ी होती है नथ, तो बहुत सुंदर लगती है। और जो कुमाऊँ की नथ होती है उसमें बीड्स नहीं होते हैं, उसमें स्टोन लगे होते हैं, मरजेंटा, वाइट और अब तो रेड भी आते हैं, तो उसमें मोती का काम नहीं होता है, इसमें होता है स्टोन का काम। लेकिन डिज़ाइन बहुत सुंदर है, अब तो बहुत चेंज हो गया है नथ में हर चीज़ें, मतलब बहुत चेंज आ गया है डिज़ाइंस में। जब मेरे टाइम की नथ है वो काफ़ी चेंज है और अब जो चल रही है वो काफ़ी चेंज है। बस मेन मतलब एक चीज़ नहीं बदली है, वो बदली है कि जो नथ है उसका साइज़, मतलब नथ का साइज़ हमेशा बड़ा ही होता है पहाड़ का। तो ये बहुत ही मेन ज्वेलरी है पहाड़ी लोगों की। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं पहाड़ी उनको ज़रूर इसके बारे में पता होगा, जिनको नहीं पता है मतलब जो अदर हैं जिनके पास जो पहाड़ी नहीं है मेरे सब्सक्राइबर, उनको मैं बताना चाहूँगी कि हमारी नथ जो होती है इसलिए अलग से दिखती है, अलग से मानी जाती है क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा होता है और अपने आप में बहुत खूबसूरत है और इसको पहन के हर कोई औरत सुंदर लगती है। इसके बाद है मांग टीका। तो मांग टीका देखो हर उसमें फेमस बोल रही हूँ, मतलब हर उसमें चलता है, हमारे उसमें चलता है, अदर कास्ट में भी चलता है। तो मांग टीका तो देखो सबके पास ही होता है, तो लेकिन हमारे में भी होता है इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और मांग टीका पता है अब कैसा हो गया, जैसे नथ है ना हमारी उसी डिज़ाइन का, मतलब उसी से मैचिंग का ना अब मांग टीका बन रहा है और बहुत अच्छा लगता है। हमारे पास जो उस टाइम का है वो नथ अलग है, मांग टीका अलग है, सुंदर तो सभी लगते हैं लेकिन आजकल क्या चल गया, जैसी नथ है वैसी डिज़ाइन का मांग टीका चल रहा है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये कुछ मांग टीके के गोल्ड जो मांग टीके हैं उनके डिज़ाइंस हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी पौची, तो जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है पौची। तो जो ये पौची होती है ये भी गोल्ड की होती है, क्योंकि मैं भी गोल्ड के दिखा रही हूँ तो गोल्ड की होती है और इनको चूड़ियों के साथ पहनते हैं। और सच्ची बता रही हूँ इसका लुक इतना सुंदर आता है, इतना सुंदर आता है, मतलब कड़े भी आपके मेरे पास भी हैं कड़े, लेकिन मैं वैसे बोल रही हूँ कि जो पौची होती है ना उसका लुक ही कुछ अलग आता है, आपको बिल्कुल डिफरेंट दिखाता है और इसके डिज़ाइंस बहुत प्यारे प्यारे आते हैं। तो ये वाला डिज़ाइन तो मेन मतलब है ही। और साथ में मैंने ना कुछ निकाले हैं गूगल से, मैं आपको झूठ क्यों बोलूँ, ये मैंने गूगल से ही निकाले हैं इसके डिज़ाइन, ये वाला डिज़ाइन मुझे इतना सुंदर लग रहा था। तो बस बताऊँगी कि जो हमारी पहाड़ी ज्वेलरी है उसमें जो मेन होता है, मेन भी होता है, और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना ये पहाड़ी ज्वेलरी सिर्फ 4 ऐसी बता रही हूँ जो मेन होती हैं।
तो ये उनमें से एक पौंची भी है जो मेन होती है, और इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत हमारे गहना होता है बोलूँगी, वो है गुलोबंद। तो गुलोबंद जो होता है उसमें आप देखोगे ना वेलवेट में होता है, और ये दो कलर में होता है, एक ब्लैक में होता है और एक रेड में होता है। तो ब्लैक भी अच्छा लगता है लेकिन मुझे पर्सनली जो है मुझे रेड में ही अच्छा लगता है, क्योंकि रेड में ना वैसे तो ब्लैक में भी गोल्ड चमकता है लेकिन मुझे रेड में ज़्यादा अच्छा लगता है, लुक बहुत सुंदर रहता है गुलोबंद। और ये बहुत सच्ची में बहुत सुंदर लगता है, इसके डिज़ाइंस भी एक से एक आने लग गए हैं। जैसे कि पहले ये चकोर में आता था, स्क्वायर में आता था, फ्लावर्स जैसे बने आते थे ना, अब ये क्या है ऐसे लंबाई में भी अच्छा शंख का शेप और शेप होता है ना उसमें भी आने लग गया है। तो ये तो गुलोबंद बहुत बेस्ट है हमारा जो आभूषण है पहाड़ियों का। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी पिछोड़ी। तो आप बोल रहे होंगे पिछोड़ी तो क्या बोलते हैं ज्वेलरी में नहीं आता है, तो ये ज्वेलरी में नहीं आता है लेकिन मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ना अगर आप कुछ भी ना पहनो, कोई ज्वेलरी ना पहनो और आप सिर्फ पिछोड़ी पहन लो, तो सच्ची बता रही हूँ कि जितना हम लोग गोल्ड में अच्छे लगते हैं, गोल्ड में हम मतलब ग्लो करते हैं ना, उससे भी ज़्यादा हम पिछोड़ी में ग्लो करते हैं। और ये फैक्ट है। और क्योंकि इसका कलर इतना प्यारा रहता है, पहले तो ये आता था येलो से कलर में आता था लेकिन अभी हल्का सा ऑरेंजेस में आता है, तो बहुत सुंदर लगता है। और अब तो एक से एक पिछोड़ी आने लगी है, तो इसलिए मैं उससे पिछोड़ी में आपको ज़रूर दिखाती हूँ क्योंकि ये भी एक आभूषण ही है। और इसको पहन के तो ऐसे लगता है सभी दुल्हन लगती हैं, तो क्योंकि ये हर उसमें अच्छे अच्छे काम में, शुभ काम में चलता है हमारे। तो ये थे कुछ पहाड़ी ज्वेलरीज जो मैंने आपके साथ शेयर करी। इसके अलावा भी बहुत होते हैं, जैसे कि हसली होता है और एक चांद हार बोलते हैं उसको, चंद्र हार बोलते हैं, वो भी होता है। लेकिन अभी जो बेसिक मतलब जो ज़्यादा हमारे में चलते हैं वो यही होते हैं, तो इसलिए पहले मैंने आपको चारे दिखाए हैं। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको कोई भी कमी लगे या अगर आपको लगे कि दीदी ने अपनी ज्वेलरी नहीं दिखाई है, तो मैंने अपनी ज्वेलरी देखो दिखाई है, फ़ोटोज़ में दिखाई है, चाहे मैंने आपको रियल में ना दिखाई हो लेकिन फ़ोटोज़ में जो मैंने पहना है ये सब मेरे पास है। तो इसलिए अगर आपको अच्छा लगे आज का मेरा ये वीडियो, अलग सा हट के कुछ अलग सा अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना जो फर्स्ट टाइम मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं। तो मिलूंगी आप सबसे नए व्लॉग के साथ बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।